नमस्कार दोस्तों, मैं भाषर न्यूज क्लिक पे इलेक्शन पल्स तेलंगाना हैदराबाद से। इस समय मैं खड़ी हूँ लकड़ी का पुल। ये पूरा इलाका MIM यानी ओवेसी का इलाका है, उनकी पार्टी का बहुल इलाका है ये। और यहाँ पर जो बुनियादी सवाल है वह यह नहीं है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन जितने लोग हैं 7-8 सीटों पर ओवेसी का बहुत दबदबा माना जाता है, उसका बढ़ना इस बार मुश्किल है। सबसे बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि अगर तेलंगाना में KCR वापस आते हैं तो क्या वे भाजपा के साथ अप्रत्यक्ष गठबंधन जो कर रहे हैं वह ज्यादा घोषित गठबंधन हो जाएगा, किस तरफ तेलंगाना की राजनीति जाएगी, क्योंकि तेलंगाना से बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है 2024 का। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जोर आजमाइश कर रखी है तेलंगाना में, रोड शो, रैलियां, सब कुछ करने हुए, उससे साफ है कि मामला सिर्फ ये विधानसभा चुनाव का नहीं है, इससे जुड़ा हुआ रिश्ता है 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी दांव चल रही है। ऐसे में लकड़ी का पुल वाला इलाका जहां पर बहुतायत मुस्लिम वोटों की है वह किस दिशा में जाएगा, क्या है इसके सुलगते हुए सवाल, आइए आपके साथ हम टटोलते हैं। ये इलेक्शन में तो 70-80 प्लस KCR गवर्नमेंट का हमारा ऐसा चांस दिख रहा मैडम। ओबीसी जी का क्या हाल रहेगा? ओबीसी जी का मैडम 7 जो सीट्स है ना मैडम, वो तो उनको कंटिन्यू रहेंगे। आपको वैसे लगता है कि KCR आ जाएंगे? कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस की है मैडम, क्राउड भी है, राहुल गांधी एक सेलिब्रिटी है मैडम, उनको देखने के लिए भी आ रहे, पब्लिक आ रही, मगर मेरे को तो वो नहीं लगता। वन टाइम पे KCR गवर्नमेंट को तो वन टाइम पे तो नहीं हटा सकते ना मैडम। अब रेवंत रेड्डी ये सोच रहे कि वन टाइम पे मैं CM बन जाऊंगा, तो वन टाइम पे तो CM नहीं बन सकते ना मैडम। इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है और KCR गवर्नमेंट के भी यहाँ पर पॉलिसीज अच्छे है, स्कीम्स अच्छे है, दलित बंधु है, शादी मुबारक है मैडम स्कीम, और ओल्ड एज पेंशन है, गुड गवर्नमेंट है मैडम, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आखिरी लास्ट 10 दिनों में कांग्रेस का सर ज्यादा हुआ है, मोस्ट लाइकली KCR में फॉर्म द गवर्नमेंट, बट इट इज वेरी टाइट, गोइंग टू बी 50-50, स्टिल द फिंगर्स आर क्रॉस, बट मोस्ट लाइकली इट्स एन हंग असेंबली इट लुक्स लाइक। मोदी जी को आप इतने चक्कर कटवा रहे हैं तेलंगाना के, कितना सीट देंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनके बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, बड़े आदमी है। बीजेपी हैज लॉस्ट द बैटल, दे हैव लॉस्ट द ग्राउंड, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, दे आर नॉट इन द रेस एट ऑल, द रेस इज बिटवीन कांग्रेस एंड BRS। ये इधर बोले तो गवर्नमेंट TRS ही आती मैडम, मगर वो टफ सिचुएशन है, टाइट सिचुएशन चल रहा है, वो कांग्रेस TRS का, बीजेपी का नहीं है मैडम, 3-4 सीट आएगा उसका। वो कांग्रेस बोले तो 35-40 सीट्स आएगा उसका, 55-60 TRS को आते मैडम। बीजेपी का क्या फायदा है यहाँ पर, इतना मोदी जी आ रहे हैं, क्या फायदा है? बोल नहीं सकते मैडम, पहले वो बंडी संजय का टाइम पे वो अच्छा है मैडम इधर, उसका वो पोस्ट से निकाल दिया, जब से थोड़ा पूरा इधर जीरो हो गया मैडम बीजेपी का। 3-4 सीट आएगा मैडम, 5 का अंदर आ जाता मैडम। इलेक्शन तो आपको टफ रहेगा, थोड़ा सा इलेक्शन तो आपको थोड़ा टफ रहेगा, बट आई थिंक KCR विल ओनली कम 100%। KCR निकाले जाएंगे? नहीं, इट विल, ही विल ओनली कम। क्या ऐसा अच्छा काम किया उन्होंने, और फाइट किसके बीच में है, KCR और बीजेपी या KCR और कांग्रेस? फाइट तो किसके उसमें नहीं मैम, बस एक ही चीज है कि यार डेवलप हैदराबाद, दैट्स ऑल, लाइक द फर्स्ट थिंग करंट इशू, वाटर इशू, दैट्स द मेन थिंग ना। अब पार्टी कौन सी भी रहो, काम अच्छा करे तो वी वोट दैट ओनली ना, दैट इज द मेन थिंग, वी लाइक दैट ओनली। चुनाव में 50-50% चांस है, TRS और कांग्रेस के बीच में बहुत टफ चल रहा है अभी तो। कांग्रेस के पक्ष में क्या चीज है? वही छह पॉइंट्स जो बोले कांग्रेस वो, और
जो 6 पॉइंट्स बोले क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको अच्छे लगे? वही जो 500 रुपीज सिलेंडर बोले और पेंशन बोले और जो है सो और हेल्थ इंश्योरेंस का वगैरह जो भी है, आपको लगता है उससे फायदा और होगा? शायद अभी तो चल रहा है, वही चल रहा है तकरीबन। अब हर कोई ये बोल रहे कि अब डिस्ट्रिक्ट में जो है सो टीआरएस रहेगा, सिटी में कांग्रेस रहेगा, बोल रहे। इस बार इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? अभी तो इलेक्शन में बहुत टफ लग रहा है, क्या बोलते कांग्रेस और अमन के बीच में, क्या बोलते कौन सी पार्टी आएंगी। कांग्रेस के पक्ष में क्या बात लगती है आपको? लगती क्या है, वो तो बहुत सारे स्कीम्स बता रहे हैं, अब अगर फिरोज खान आए बात से क्या होगा, या फिर अम्मा एम ही आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कंपलसरी गारंटी अम्मा एम ही आएगी।